और क्वेश्चन था अभी, जैसे कि रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट्स का ड्यूरेशन चल रहा है कॉलेजेस में, जो हमारा यूथ है उनको कई बार इंटरव्यूज में कुछ अजीब ऊटपटांग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल सर, जैसे आपको मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक आपकी मदर एक आपकी वाइफ, और आपको दोनों में से किसी एक को गोली मारना है। अब इस चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं, बहुत लोग इस चीज में इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर जो इंटरव्यूअर रहता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। और वो इंटरव्यूअर को नहीं आता, इंटरव्यू को बहुत प्रॉब्लम आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस का कैसे आंसर होना चाहिए? अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि एक नाव है राइट, आपकी मम्मी है आपकी वाइफ है, दोनों में से गोली मारोगे तो जाके बचोगे, ठीक है ना, तो क्या आप क्या जवाब दोगे? सर वही, दोनों के बीच में से चूज करना बहुत मुश्किल है। नहीं, फिर भी क्या जब यही बोलोगे, एक जवाब चाहिए, मैं मुश्किल नहीं चाहिए। मैं पता नहीं आपके केस में हस्बैंड और फादर किसको गोली मारोगे? नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब आंसर चाहिए मेरे सर। मदर क्यों? क्योंकि वो मदर नहीं जानने वाली है। अच्छा, आप मुझसे पूछ सर, आप किस कुछ पूछ करेंगे अपनी वाइफ को? सर अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा ना, मैं तो वहाँ बंदूक छोड़ भाग जाऊँ। सर अगर आप नहीं भाग सकते, आपको एक तो गोली मार, हवा में गोली मार, एक तो गोली मार। आप उत्पटान सवाल कर सकते हो, मैं उत्पटान आंसर नहीं दे सकता। कंसेप्ट इज ओनली वन, यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है हम उसको वाकई एक्चुअल में सोचना शुरू कर देते हैं। अरे उन्होंने एक वर्चुअल क्वेश्चन पूछा है, तुम भी एक वर्चुअल आंसर दो। एक बार ऐसे एक इंटरव्यू में एक सवाल होता है कि तुम नाव में जा रहे हो राइट, नदी में हो और अचानक से शेर आ जाए, क्या करोगे? बोलो सर पेड़ में चढ़ जाओ। तो बोले अगर नदी में एकदम पेड़ कहां से है? जैसे तुम्हारा चेहरा है। तो वर्चुअल क्वेश्चन के वर्चुअल आंसर ही हो सकते हैं, हम उसको दिल पे ले लेते हैं। मैं अपनी मम्मी को तो नहीं मारूंगा, हाँ ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो सिंपल एक सिचुएशन रखी है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना ऐसे पोस्ट के लिए होती हैं जहां पे क्रिएटिविटी, जहां पे कुछ यू नो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना जरूरी है, ऐसी जगह पे पूछी जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी तभी होगी जब आप लाइटली चीजों को लोगे।